हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रू कॉलर की कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट अपडेट्स के बारे में जो हर एक ट्रू कॉलर यूजर को पता होना चाहिए। अगर आप ट्रू कॉलर यूज नहीं करते हैं तो अब भी इंस्टॉल कर ले, क्योंकि दोस्तों आपके पास जरूर स्पैमिंग कॉल या कंपनी का कॉल आता होगा। आप लोग सिर्फ एक क्लिक में जितने भी स्पैमिंग कॉल आप पे आता है परमानेंट के लिए बंद कर सकते हैं, या सामने वाला अननोन बंदा कॉल करता है आप पे, आप उसका नाम जान सकते हैं, कहां पे बंदा रहता है वो भी जान सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे वहां मैं बताऊंगा डिटेल्स में ट्रू कॉलर के कुछ सीक्रेट हिडन अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, लाइक का टारगेट है 1000, प्यारी सी फैमिली मेंबर है जरूर कर देगी। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना ट्रू कॉलर प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें नया अपडेट क्या आया है दोस्तों बता दूं कि मैं, देखिए आप लोग यहां पे जब पहले प्रोफाइल पे यहां पे क्लिक करते होंगे तो कुछ और दिखता होगा, बट अगर अभी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है कि आपने इस महीने कितने बातें की है, कितने मिनट बात किया है ट्रू कॉलर पे, वो भी आ रहा है। प्रोफाइल का आ रहा है, मतलब कुछ ये अलग चेंज इंटरफेस दिख रहा है ट्रू कॉलर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मतलब आप एक प्रॉपर व्हाट्सअप की तरह यहाँ से भी चैटिंग कर सकते हैं ट्रू कॉलर बाय ट्रू कॉलर। काफ़ी अमेजिंग का लगा मुझे ये भी दोस्तों। अब हम देखते हैं इसमें सेटिंग्स, कुछ हिडन फीचर्स। जैसे देखिए कोई आपको व्हाट्सअप पर कॉल किया, मिस कॉल मारा या मैसेज भेजा है, या किसने वीडियो कॉल किया या ऑडियो कॉल किया, बट आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ओपन ना करूं और ट्रू कॉलर में ही पता चल जाए, तो यहां पे देखिए दोस्तों ये जितने भी कॉल्स हैं, जैसे कि ये कॉल्स है तो यहां व्हाट्सएप की तरह बना हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मिस कॉल फ्रॉम व्हाट्सएप फ्राइडे को, मतलब डेट भी लिखा हुआ है कि इस बंदे ने किस दिन कॉल किया था मेरे को, यहाँ पे मतलब व्हाट्सअप का भी डिटेल्स पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग का अपडेट है कि अब आपको व्हाट्सअप खोलने की जरूरत भी नहीं है कि किसने कॉल किया है, किसने मिस कॉल मारा है, व्हाट्सअप पर यहीं से चेक कर सकते हैं किस दिन क्या था, ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक सेटिंग आपके अपने फ़ोन में ऑन करना है। तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा 3 डॉट, आप लोगों को 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा जनरल, आपको जनरल पे टैप करना है। जनरल पे टैप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा शो कॉल फ्रॉम अदर ऐप, मतलब किसी भी अदर ऐप पे कोई कॉल करेगा तो आपको ट्रू कॉलर में शो होगा, तो आप लोगों को इसको ऑन कर देना है। तो ऐसे आपका व्हाट्सएप या कोई भी ऐप जिस पे कॉल आए तो आपको ट्रू कॉलर में दिख जाएगा। तो कमाल का था, मतलब अच्छा लगा मुझे ये नया अपडेट। इसका एक और फायदा होगा दोस्तों कि अगर आपको कोई अननोन बंदा या कोई मतलब आपसे प्रैंक कर रहा है कॉल करके व्हाट्सएप पर, जिसका आपका नंबर सेव नहीं है, तो आप लोग सीधे ट्रू कॉलर में ही वेरीफाई करके बता देगा कि ये वो बंदा है। तो काफी कमाल का यार। चलिए जानते हैं सेकंड फीचर्स। ये फीचर्स मेरी प्यारी सी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग का है। बहुत सारे लोग का क्या होता है, जो नंबर बढ़ जाता है फिर वो क्या करते हैं उस पर बहुत सारे कॉल्स करने लगते हैं, तो वैसे में हम परेशान हो जाते हैं कि यार किन किन को ब्लॉक मारे, किन ने हमारा नंबर बांट दिया सभी में। तो वैसे में आप लोग सिर्फ ट्रू कॉलर से एक सेटिंग कर लेंगे जिससे आपकी बिना नंबर सेव किए कॉल नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए देखिए आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लॉक पे जाना है। ब्लॉक पे जाने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लॉक नंबर नॉट इन द फोन बुक, मतलब जो नंबर आपके फोन बुक में सेव नहीं है उसका कॉल ही नहीं आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग का, आप चाहते हैं कि बिना कोई फालतू कॉल ना करें तो आप लोग इसको ऑन रखिए। दूसरों यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जितने भी स्पैमिंग कॉल है KYC का या लॉटरी का या कोई भी कॉल्स आता है आप पे, फ्रॉड फेक स्पैमिंग कॉल, तो आप लोग का पास कॉल आएगा ही नहीं। आप लोग अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन इसको अगर ऑन रखेंगे तो देखिए ये तो बहुत सारे लोगों में होता है, परेशान होते हैं, फिर हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि भाई हमारा कॉल आ रहा है स्पैमिंग बंद करो, बट आप लोग सिर्फ ट्रू कॉलर से बंद कर सकते हैं। तो मैंने तो कर रखा है, आप भी जाके कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग का है। क्योंकि हम गाड़ी चला रहे होते हैं फिर कॉल आ जाता है, हमें पता चलता है यार गाड़ी रोक के, पता चलता है यार ये तो स्पैमिंग कॉल है। तो वैसे में जानते हैं आप थर्ड फीचर, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी चेक कर सकता है कि आप ट्रू कॉलर पे पहले 10 मिनट पहले किसी का कॉल उठाए थे या 2 मिनट पहले या कितने मिनट पहले, देखिए यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट पहले इस बंदे ने किसी को कॉल किया होगा या कॉल आया होगा, या आप कॉल पर बिजी हैं तो भी डायरेक्ट ट्रू कॉल पर पता चल जाएगा बिना कॉल किए। तो वैसे में आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई ये चीज़ ना चेक कर पाए, तो वैसे में आपको एक सेटिंग तुरंत ऑफ कर देना है। देखिए क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है,
थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। इस सेटिंग्स के बारे में किसी को नहीं पता होता कि हम कैसे ऑफ कर सकते हैं, तो आप लोग अभी ऑफ कर लीजिए अपने ट्रूकॉलर के अंदर, नहीं तो कोई भी आपका डिटेल चेक कर सकता है कि आप लोग कितने देर पहले ऑनलाइन थे या कब आपने कॉल किया या अभी भी आप बिजी हैं या नहीं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा होगा प्राइवेसी सेंटर, जी हाँ दोस्तों आपको प्राइवेसी सेंटर पर टैप करना है। टैप करते ही बाद उसके बाद देखिए एबिलिटी, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा होगा एबिलिटी, आपको क्या करना है इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करते दोस्तों अब आपका कोई भी चेक ही नहीं कर पाएगा कि आप 10 मिनट पहले थे या 15 मिनट पहले या अभी आप बिजी हो या नहीं। तो काफी कमाल का, आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसका इस्तेमाल जरूर करें हर एक ट्रूकॉलर यूजर। चलिए जानते हैं चौथा फीचर, ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे के फोन्स में जो आपका नंबर है उस नंबर से ट्रूकॉलर पे कुछ और नाम आ रहा है, मतलब कोई लड़की का नाम या कुछ भी नाम आ रहा है, तो आप लोग वो नाम बंद करना चाहते हैं या नाम को सही करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने किसी नंबर डायल किया तो कुछ अलग नाम आएगा लिखा हुआ, तो वैसे मैं सही कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद प्राइवेसी सेंटर्स में जाना है। प्राइवेसी सेंटर्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं कुछ भी नाम दिखे किसी को भी, तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डीएक्टिव, ठीक है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यस कर देना है, आपका ट्रूकॉलर से नाम कुछ भी नाम आ रहा हो हट जाएगा। अगर आप लोग नाम सही करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर एक आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए रिसीट माई डाटा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी नाम आपको रियल वाला नाम डालना है आप लोग यहाँ पे डाल के अपडेट कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो ब्लू टिक है ट्रूकॉलर में वो भी मिल जाएगा, आपका नाम भी सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों ट्रूकॉलर कुछ ऐसे फीचर जो आपको पता होना चाहिए हर एक ट्रूकॉलर यूजर के लिए। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग मिस ना कर पाए। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक वंदे मातरम।